कुछ बचाओ। अंधेरे कमरे में एक लड़का अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार थी। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूँ। अक्सर सुनने में आता है या देखने को मिलता है कि कोई लड़की किसी लड़के के कैद में, या फिर कोई मर्द किसी औरत को प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन यहाँ मामला ठीक इसके विपरीत था। आखिर क्यों एक लड़की किसी की जान की दुश्मन बनी हुई थी, और क्या था इस खून के पीछे का सच? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की अकल्पनीय वारदात। राजेश। हाँ माँ। खाना आज घर पे ही खाओगे या रोज की तरह? नहीं माँ, घर पे ही खाएंगे, पर हम कहाँ रोज रोज बाहर खाते हैं। अच्छा माँ, ये गुलाब का फूल तोड़ ले। गुलाब का फूल? वैसे कोई खास है क्या, किसे देना ये गुलाब का फूल? क्या माँ, तुम भी, हम तो बस यूं ही कह रहे थे, कोई नहीं है। सही में कोई नहीं है? कोई नहीं भैया। अरे डॉक्टर साहब, अपनी गर्लफ्रेंड को फूल की जगह लस्सी दिया करो, फिर देखना उनका चेहरा खिलकर गुलाब हो जाएगा। क्या भैया तुम भी। अच्छा माँ तोड़ ले। अच्छा चलो ले लो। चलो बेटा, मत कैसे हुआ रे तुम्हारा, हमको छेड़ेगा है? पता नहीं है कौन है, औकात भूल गया क्या आपने? बोल है, छेड़ हमको, छेड़। छेड़ माफ कर दो, छेड़ना। अरे बोला, तुम जानते हो उसको? हाँ, लेकिन हुआ क्या, इस लड़के को मार क्यों रही है वो? ये लड़का उसको छेड़ दिया, बस ये ताव में आ गई और लगी मारने। ये लड़के का कहा कर रहा है बेबी? मार दे का? ए नहीं, जयदेव को। क्या हुआ बेबी जी, किस सोच में पड़ गए? अरे गजब हो गया, जिको साले सब नहीं देखना था वही ससुरत देख लिया। हम तुमको कितनी बार बोला है मोना, हमको तुम्हारी गाड़ी नहीं चलानी, क्यों नहीं समझते हो तुम? अरे इतना गुस्सा काहे कर रहे हो डॉक्टर साहब, तुम ही हमको बोले थे ना कि तुमको बड़ा गाड़ी बहुत ही पसंद है, तो लो आज से ये गाड़ी तुम्हारा, तुम्हें चलाना है चलाओ, जो मर्जी करो, ये गाड़ी हम तुमको गिफ्ट कर रहे हैं, लो अपनी गाड़ी का चाबी लो, हमको कहीं घुमाने लेके चलो। हमको तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। काहे नहीं चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, तुम वैलेंटाइन डे तक ये गाड़ी रख लो, तुम सोच लेना कि तुम हमसे ये गाड़ी उधार लिए। नहीं थैंक यू, हमको तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, हमारा दिमाग खराब होगा कि हम तुमसे कुछ लिया, तुमसे उलझे। अरे तुमसे उलझने का नतीजा देख चुके हम, कैसे मारे थे उस लड़के को सब देख चुके हम, हमको ना तुमसे कुछ लेना है ना देना, समझी?
अब सामने क्यों खड़े हो गए हो? हट जाओ मोना, जाने दो। क्यों पड़े रहते हो हमारी जान के पीछे? क्या लोग हैं हमारा जान छोड़ने को? ज्यादा कुछ नहीं, खाली 2 हफ्ता बस। 2 हफ्ता मतलब? मतलब ये 2 हफ्ता तुम हमारे साथ बिताओ, ये 2 हफ्ता में हम दोनों दोस्त, हम घूमेंगे फिरेंगे, सिनेमा देखेंगे, हमको पूरा मौका दो कि हम तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना सके। और अगर वैलेंटाइन डे के दिन जब तुम हमारे हाथ से गुलाब ले लोगे ना, तब से हम तुम्हारा गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर नहीं लिया तो जान ले लेंगे तुम्हारी। अरे डॉक्टर साहब, तुम तो डर गए, हम तुम्हारी जान ले सकते हैं क्या? तुम तो हमारी जान हो, और अपनी जान कोई कैसे ले सकता है? अगर तुम वैलेंटाइन डे के दिन हमसे गुलाब नहीं लिए ना, तो हम रो रो कर अपनी जान दे देंगे। तुम्हें कुछ करने का तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ता, उससे 1 दिन भी ज्यादा नहीं। ठीक है, एकदम ठीक। तो फिर तेरा, आज से हम दोनों दोस्त, ठीक? ठीक है, ठीक है। अब हमें जाने दो, वहाँ हमारा इंतजार कर रही है। जा। जी जी जरूर, हाँ मैं पक्का आ जाऊंगी जी, बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते। आ गए तुम? जी माँ। सुनो, जिसे तुम गुलाब देना चाहते थे ना, वो खुद ही यहाँ आ गई है। कौन? जा किचन में देख ले। पलक? अरे रुको रुको बेटा रुको, इतने भी क्या जल्दी है, अपने पिताजी से नहीं मिलोगे? और वो कहीं भागे थोड़ी ना जा रही है। वो पिताजी, बस हम तो यूं ही जा। बस 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 ठीक है बेटा, देखो हम तुम्हारे पिताजी सब जानते हैं बेटा। जाओ जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम यहाँ? तुम्हारे माँ पिताजी को हम बहुत ही पसंद आ गए, तो पहला दिक्कत तो यहीं पर खत्म हो गया ना। पागल हो गए हो क्या? क्या ये सब? हमने तुमको कब कहा कि तुम्हें पसंद करते? बंद करो ये सब नाटक और जाओ यहाँ से। अरे ऐसे काहे बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, हम तो तुम्हारे माँ पिताजी को बता चुके कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब अगर वो तुमको पूछेंगे कि हमारे जैसा सीधा साधा लड़की को ऐसे धुतकार कह रहे हो, तो क्या जवाब दोगे? हाँ तो मेरी बात सुनो। अरे राजेश बेटा, और कितनी देर यहाँ रहोगे? आओ बाहर हॉल में चलो। आओ बेटा बैठो हमारे पास। तो क्या पढ़ाई कर रही हो? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, ये मेडिकल कर रहे हैं और हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और बेटा आपके पिताजी क्या करते हैं? वो चाचा जी, हमारे बाबूजी का कार का बिजनेस है। और पढ़ाई के बाद क्या करने की सोच रही हो? अब क्या करेंगे चाची जी, पढ़ाई खत्म करते ही बस शादी कर लेंगे। अब अच्छा तो चाची हम चलते हैं, रात बहुत हो गई है, माँ भी चिंता कर रही होगी। जीती रहो। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। जब भी समय मिले तब चले आना। जी चाची जी। पुष्पा इन्हें बाहर छोड़ के आओ। हाँ चलो मैं छोड़ आती हूँ। देखो
कैसे बैठे हैं लोग, एक लड़की खड़ी है पर कोई अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, और ये सब अपने आप को मर्द कहता है। ओहो, लगता है डॉक्टरनी साहब का हिम्मत जवाब दे गया हमारे सामने। देखो कैसे भाग गई। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ हम लग कैसे रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? अरे तुम्हारे लिए तो इतना सज संवर कर आए हैं डॉक्टर साहब। काहे हो डॉक्टरनी के चक्कर में पड़े हो डॉक्टर साहब? मुना तुम हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही हो। और तुम क्या कर रहे हो? हम फोन करते हैं तो हमारा फोन नहीं उठाते हो, हमको देखते हो तो मुंह फेर लेते हो। हमसे वादा किए थे ना कि 2 हफ्ता हमारे साथ रहोगे, तो क्या है सब है? अब तक 1 ही हफ्ता हुआ है डॉक्टर साहब। देखो मोना, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। हम तुमको वैसे नहीं चाहते जैसे तुम हमें चाहती हो। तो तुम हमको नहीं, वो पलक को ऐसे चाहते हो, है ना? इतना चाहते हो उसको पर जरा भी परवाह नहीं है उसकी। काहे उनका जान खतरे में डाल रहे हो डॉक्टर साहब? सीधी सादी सी तो है बेचारी, कल को कुछ हो गया तो क्या कर लोगे हैं? उसको कुछ करने के बारे में सोचना भी मत मोना। तुम करने की बात करते हो डॉक्टर साहब, तुम्हारे लिए तो हम पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। पलक का चीज है? खाली एक दोस्त है ना, कुछ कर रहिएगा डॉक्टर साहब, खाली 1 ही हफ्ता बाकी है। हा? चलते हैं। अंकल पलक ठीक है अभी? हाँ अब ठीक है, तुम बैठो मैं अभी आता हूँ। पलक बैठ 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 बैठ। इस लड़की ने तो हद पार कर दी, लगता है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाना पड़े। क्यों बेकार के झमेले में पड़ रहे हो? आराम से बात करो उससे, शायद समझ जाए। और कहीं अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मेरी फिक्र छोड़ो और अपना ध्यान रखो, हम जानते हमको क्या करना। आपको जिस गाड़ी से चोट लगी थी उसका नंबर याद है? गाड़ी का नंबर देखे तो थे, लेकिन इतना जल्दी सब कुछ हो गया, ठीक से कुछ याद भी नहीं आ रहा है। बिना नंबर के क्या कर सकते हैं मैडम? अरे नंबर वंबर का कोई जरूरत नहीं है, हमको पता है किसने किया है। अच्छा तो कौन है? मोना। और कौन? मोना, तुम कहीं मोना यादव की बात तो नहीं कर रहे हो? जी हम उसी की बात कर रहे हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? उसको कौन नहीं जानता, टीपू यादव की बेटी है, यादव परिवार को सारा शहर जानता अच्छे से, लेकिन लगता है तुम नहीं जानते उनके बारे में, इसलिए रिपोर्ट लिखवाने चले आए। यादव परिवार के बारे में सोच समझ कर बात किया करो, खासकर तब जब तुम्हारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हो। तुम शायद नहीं जानते उनके खिलाफ जो भी बोलता है उसका नामो निशान मिट गया। देखो तुम अभी छोटे हो, डॉक्टर बनने वाले हो, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और इन सबसे दूर। तो इसका मतलब यह है कि इस मामले को कोई दूसरे तरीके से सुलझाना पड़ेगा।
अरे डॉक्टर साहब तुम, अरे धन्य भाग हमारा जो तुम आज हमको फोन कर दिए। हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मोना कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। पलक के साथ जो तुमने किया उसके बाद जो तुम दोस्ती के लायक भी नहीं रही। अरे अरे इतना गुस्सा? अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा हक बनता है ना हम पर, तो भाई इतना गुस्सा कर रहे हो, है ना? डॉक्टर साहब तुम्हारा गुस्सा हमको मंजूर है, पर पहले एक बार हमारा बात भी तो सुन लो ना। पलक के साथ जो हुआ है ना उसका हमको बहुत दुख है, और हम तो बहुत डांटे हैं अपने आदमी लोग को। हम तो खाली थोड़ा सा डराए को बोले थे, अब ए बुड़बक देखो ये सब कर लिए। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बता ही दिया उनको 24 घंटा उसके साथ रहेंगे, उस पर नजर रखेंगे। अब खस तुम याद किए और हम आ गए, अब जितना गुस्सा करना है ना कर लो। हमको डांटना चाहते हो, लो डांट। हम ना तुम्हें कुछ बोलना चाहते ना डांटना चाहते। डॉक्टर साहब तुम ही तो बोले थे ना कि दो हफ्ता तक हम लोग दोस्त रहेंगे। तो दोस्ती? और तुमसे, तुम जानती हो भी कि दोस्ती क्या होता है? एक दोस्त दूसरे के साथ ऐसा करता है, हमारे बीच में कोई दोस्ती नहीं, सब कुछ खत्म, समझी? अब भगवान के लिए हमको, पलक को, हमारे परिवार वालों को बख्श दो। और तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कौन दोस्ती करेगा जो अपने बाप के पैसे और ताकत पे कूदती हो? डॉक्टर साहब इस सब के बीच हमारे बापूजी को मत घसीटिए, बहुत ही गलत होगा, बता रहे हैं। यो, बुरा लगा सच सुनकर? गलत क्या बोले हम, तुम आपके बाप के बल पे तो हमें तंग किए जा रही हो। ठीक है, अब तुम हमारे बाबूजी को इसमें घसीट ही लिए हो तो अब वही तुमसे बात करेंगे। मोना को ऐसा लगने लगा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसीलिए उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो सरेआम लोगों पर हाथ उठाने लगी थी। मोना अब राजेश को पाने की चाहत में किसी भी हद तक जा सकती थी। उसकी धमकी ने राजेश के अंतर मन को हिला कर रख दिया था। अब क्या होने वाला था राजेश के साथ? क्या बात प्यार इजहार से आगे निकल चुकी थी? हेलो राजेश माथुर। हाँ जी। तुम्हारे दोस्त के एक्सीडेंट का केस हमको सौंपा गया है, इसलिए यादव जी के घर पर आए हैं हम। तुमको कुछ बताना है इसलिए तुमको भी आना पड़ेगा, पुलिस की जीप तुम्हारे घर पहुंचने वाली है, उसी में बैठकर आ जाना। ठीक है। मिश्रा जी। हाँ हाँ चलते हैं। बैठो बैठो। मोना बोली कि तुम उसका का बोलत हैं वैलेंटाइन। सर हम मोना को तुम बोले खातिर नहीं सुने खातिर आए हो, चुपचाप सुनो। वो का नाम है लड़की का? पलक। भूल जाओ का और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करो, उसके बाद हम तुम्हारे खातिर दो चार ठो अस्पताल खुलवा देंगे। जितनी मर्जी आई डॉक्टरी करते रहना, लेकिन ये पलक फालतू गिरी सब बंद, नहीं तो गड़बड़ हो सकत है, तुम्हारा कॉलेज बंद हो सकत है, तुम्हारे घर वालन के साथ कछो हो सकत है, समझ रहे हो ना? अच्छा सर, लेकिन पलक
चुप। अच्छा हो तो राजेश बेटा, बेटा क्या हुआ? What's wrong? आज टीमू यादव ने हमको अपने घर बुलाया था। अच्छा किए जो तुम अपना दिमाग शांत रखे बेटा। इस मोना को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। तुम चुप रहो सुदेश, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। ये सब हमें शांति से ही निपटाना पड़ेगा। पुष्पा ठीक कह रही है बेटा, ये टीपू यादव कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इससे अच्छा तो हम कहीं और चले जाते, कम से कम शांति तो रहेगी। ये कैसे बात कर रहे हो माँ, मिड सेमेस्टर हम कैसे छोड़ सकते हैं? हिस्ट्री नहीं मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं हम। राजेश सही कह रहे हैं पुष्पा, हमें यहीं रहकर कुछ सोचना पड़ेगा। अरे गुलाब का फूल हमारे लिए, हम भी कैसा सवाल करते हैं। हमारे लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? तुम्हारी जिंदगी में हमारे अलावा है ही कौन? पर डॉक्टर साहब, हमारी जिंदगी में भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ए लो, ए तुम्हारे लिए। थैंक यू। अरे थैंक यू काहे बोल रहे हो डॉक्टर साहब, थैंक यू तो हमें तुम्हें बोलना चाहिए। आज तुम हमारा दिल खुश कर दिए, बस आज का पूरा दिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे। सिर्फ कुछ और महीने पड़ा फिर हम इलाहाबाद छोड़ देंगे, तब मोना से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से तो तुम हमसे और भी दूर हो जाओगे ना। बस कुछ और दिन का बात है, MBBS खत्म होते हम शादी कर लेंगे। मोना, ये तुम ठीक नहीं किए डॉक्टर साहब, धोखाबाजी जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। धोखा? कैसे धोखा मोना? अरे जबरदस्ती गले पड़ गए हो तुम, क्या करते हम तुमको जरा भी पसंद नहीं करते। अरे मजबूरी में तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे ताकि तुम हमें तंग ना करो। हम तुमको नहीं पलक को प्यार करते। हमारा दिल तोड़ दिए तुम डॉक्टर साहब, हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बता रहे हैं ये हम होने नहीं देंगे। हाँ मार देंगे, आज तो मार ही डालेंगे उसको। गन निकालो, बाबूजी का गन निकाल कर दो हमको। शांत हो जा मोना। अरे का हुआ? अरे अच्छा हुआ आप आ गए। अरे का हुआ बेटा, काहे गुस्सा कर रही हो? बाबूजी, आज हम उसका जान से मार डालेंगे, खत्म कर देंगे ससुरी पलक को। आप अपना गन निकाल के दो हमको। ससुरी पलक? हमने डॉक्टर साहब को हमसे छीनने निकली है, हम नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे। बेटा शांत हो जाए, शांत हो जाए, हम सब ठीक कर देंगे। One,
बहन, गया तुम्हारा हाथी। क्या पापा। हम कब से सुदेश को फोन लगा रहे हैं, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। ऐसा तो वो कभी भी नहीं करता। कह के गया था जल्दी घर आएगा। अरे आ जाएगा, यार दोस्त मिले होगे तो बैठा होगा बातें करने के लिए, आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। एक मिनट, सुदेश का फोन है। सुदेश कहाँ हो बेटा तुम? कौन बोल रही हैं आप? हम सुदेश की माँ बोल रहे हैं। सुदेश कहाँ है? आप सुदेश के पिताजी के साथ में यादव जी घर चली आई है, और हाँ राजेश साथ मत लाइएगा। यादव के घर से फोन था। अरे माथुर साहब, कैसे हैं आप? बैठिए 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 बैठिए। हमारा बेटा? हम आपको आपके बेटा राजेश का रिश्ता के लिए बुलाए हैं। हमारी बेटी मोना से राजेश का शादी हो जाएगा तो राजेश का जिंदगी जबरदस्त हो जाएगा। अब देखिए, एक कैठो तो हमारी बेटी है, सब कुछ उसी का तो है, मतलब राजेश का है। अब इतना सारा रुपया पैसा, लेकिन बिटिया की आंख में आंसू का फायदा है? राजेश के लिए बहुत रोई है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन हमारे सुदेश? अरे उनको क्या होगा, वो तो हमारे दामाद जी के बड़े भाई हैं, हमारे मेहमान हैं वो, बहुत खातिरदारी हो रही उनकी, इनसे पूछ लीजिए। हमारी बीवी उनकी खातिरदारी में लगी है, एकदम उनकी चिंता ना कीजिए। देखिए माथुर साहब, हम आपको एक दो दिन का टाइम देते हैं, शादी ब्याह का बात है, सोचना तो पड़ता ही है। हमारी बेटी मोना के साथ आपके राजेश का शादी होते ही आपका बड़ा बेटा सही सलामत आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है? अब वो अच्छा, नमस्कार। भैया कहाँ है पिताजी? साथ नहीं लाए? वहां क्या हुआ? कुछ तो बताइए पिताजी, कहाँ है भैया? यादव के गुंडों के बीच फंस गया है सुदेश। एक बेटा को बचाने के लिए दूसरा बेटा की बलि कैसे दे दे? सुदेश को यादव ने गिरवी रख लिया है और कह रहा है कि तुम्हारी शादी मोना से होने के बाद ही उसे छोड़ेगा। हेलो, काहे हुज्जत कर रहे हो डॉक्टर साहब? मान जाओ ना, कह रहे हैं तुम्हारा सारा परेशानी छू मंतर हो जाएगा। हाँ, हम भी ये सोच रहे थे मोना, इसलिए मिलने का सोच रहे थे। मिलोगी? हाँ हाँ, बोलो कहाँ? कॉलेज के पार्किंग लॉट में। हाँ तो ठीक है, हम अब भाई आधे घंटे में पहुँचते हैं। हाँ ठीक है, तब तक हम भी पहुँच जाएंगे। पिताजी बहुत परेशान है मोना,
हम उनको इतना परेशान नहीं देख पा रहे, उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है ना, कहाँ जरूरत था इतना जिद करने का। तुम जिद नहीं करते, तुम्हारे माँ पिताजी को इतना परेशानी नहीं उठाना पड़ता ना। बेकार में अपने चक्कर में अपने माँ पिताजी को परेशान कर दिए डॉक्टर साहब। बोलो क्या चाहती हो तुम, क्या करना होगा? लो, सबसे पहले तुम ई गाड़ी का चाबी पकड़। अब अपना गाड़ी में हमको कहीं दूर घुमाए के ला। चल वैसे बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे साथ डॉक्टर साहब। वो बाकी जा कहाँ रहे हैं हम? कहीं नहीं, बस इधर उधर ही चला रहे हैं। अच्छा, चलाते चलाते पैर अकड़ गया, थोड़ी देर तुम चलाओगे? तुम्हारे लिए कुछ भी मेरे राजा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो तुमको अभी पता चल जाएगा। आखिर करना क्या चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हारे बदले तुम्हारे बाप हमारे भैया को छोड़ना होगा, और अगर उन्होंने ऐसे नहीं किया तो जितना भैया तड़पेंगे उससे ज्यादा तुम तड़पोगे। ये गाड़ी तो बेबी जी की है। अरे पगला गए होगा डॉक्टर साहब, हमारा सौदा हमारे बाबूजी से करने चले, जानते नहीं होगा क्या चीज है। चुप, एकदम चुप। हम तुमको जाग गए और इन्हें भी, अब तुम देखो हम क्या करते। ऐसा चल खोलूंगा, चल लो मैडम। गोलियां भी भर दी, कमाल करते हो डॉक्टर साहब। डॉक्टर होकर ये कट्टा लेकर घूमते हो हैं? इसको चलाना जानते भी हो कि नहीं? ले चल इसको, चल चल। कोई बचाओ! शादी का बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर साहब, बहुत ही बड़ा और जबरदस्त सपना देखे थे अपनी शादी का। हम सोचे थे
लहंगा पहनेंगे, गहना पहनेंगे, गाजा बाजा होगा, लेकिन तुम ना सबका सत्यानाश करती है। ये भी ठीक है, इसी बहाने तुमसे शादी तो हो जाएगा। पंडित जी आ रहे हैं थोड़ी देर में, शादी का सारा ताम झाम शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम और मैं पति पत्नी। बंद करो अपनी बकवास, चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी भी कीमत पे तुमसे शादी नहीं करेंगे। ऐसे कैसे शादी नहीं करोगे डॉक्टर साहब? पंडित जी भी आ गए, आइए आइए पंडित जी, और शुरू हो जाइए। सुनो बाबू जी को बुला लो। हमारा कन्या दान कौन करेगा है? जाओ। यादव जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे ऐसा नर्स मत करवाइए, ये लड़का ब्याह के लिए राजी नहीं है। हमें अगर जबरदस्ती ऐसे ब्याह करवाए तो हमें सबको नर्क भोगना होगा। गुड पंडित, सब ठीक होगा। ये सब का है मोना, हम कहे थे ना कि हम सब देख लेंगे, फिर कहे कि ये सब बाबूजी, ये हमको किडनैप कर लाए थे। अरे तो हमको बताती, अपने आप का है कि सब, अपने बाबूजी पर भरोसा नहीं है? अरे दामाची, ये सब के लिए हमका माफ कर दो। अबे ओ, खोल दामाजी को। दामाजी, मोना के ये काम के लिए हम माफी मांगते हैं। वो का है कि हमरे एक ही औलाद है, बड़े लाड़ प्यार से पाला है, ईका थोड़ा जिद्दी हो गई है। वो का है कि शादी के बाद सख्त हो जाना, सुधर जाएगी। अब हमरा मान रख लो, बांछा फेरा पूरे कर लो, और देखो हमको जाना भी है ना, तुम्हारे भाई को सही सलामत घर पहुंचाना है ना। अबे पंडित, तेरे पूरे कर, दामाद जी मान जाएंगे, और शादी ठीक से करवाना, चिंता मत करना, हम तुझे नरक में नहीं जाने देंगे। आओ सब लोग चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे दोनों बेटे गायब हैं, बड़ा बेटा को तो यादव ने अपना बंधक बना रखा है। सर मुझे डर है कहीं छोटा बेटा भी उसके चंगुल में ना फंसा, प्लीज आपको मेरे साथ आना होगा सर। ठीक है, आप जिद कर रहे हैं तो चलिए आपके साथ चलते हैं, लेकिन फिर कह रहा हूं इस सब से कोई फायदा होने वाला नहीं, आप चलिए। माफ कर दो ना डॉक्टर साहब, ले लो ना फेरा। नहीं कभी नहीं, हम किसी भी कीमत पे तुमसे शादी नहीं करेंगे। बेटी, ये ब्याह बिना दुल्हा के इच्छा के नहीं हो सकता। काहे मना कर रहे हो? अपने भाई को जिंदा देखना चाहते भी हो कि नहीं? हाँ ऐसी बात है तो फिर ठीक है, कर लेते हम तुमसे शादी। देखिए पंडित जी, अब तो डॉक्टर साहब भी मान गए, अब होगा ना इस शादी। हाँ शादी तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी तुम कुंवारी रहोगे, क्योंकि हम तुमको छुएंगे भी नहीं, मौका मिलते ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। फिर क्या करोगी तुम, कहाँ ढूंढोगी हमको? नहीं मोना, मोना देखो, मोना नहीं, नीचे रखो मोना, मोना नहीं, नहीं मोना, नहीं मानेंगे, मोना मजाक मत कर, नीचे रखो, नहीं बोल।
मोना, मोना बेटा, मोना, हटिए हटिए, हम डॉक्टर हैं, हम देखते हैं। हाँ वो ठीक है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए। मेरी बिटिया मोना ठीक तो हो जाएगी जब। फिक्र करने की कोई बात नहीं चाचा जी, खतरा टल गया, जल्दी उसे होश आ जाएगा। मैं और पलक सारी रात उसके साथ यही रहेंगे, उसका ध्यान रखें। अब जाइए आराम कीजिए, सब ठीक हो जाए। सन 2012 के NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार यूपी में लगभग 335 हत्या के मामलों के पीछे की वजह प्यार था। कभी कभी प्यार प्यार ना रहकर सेंस ऑफ अचीवमेंट बन जाती है और लोग इसे प्यार का नाम देकर जबरदस्ती करने पर उतारू हो जाते हैं। मोना का भी ये प्यार वास्तव में प्यार था ही नहीं, वो केवल उसकी एक जिद थी और इस जिद को पूरा करने के लिए, राजेश को हासिल करने के लिए उसने कानून तक को अपने हाथ में ले लिया। टीपू यादव को सुदेश का अपहरण करने के लिए और राजेश को जबरन शादी की धमकी देने के लिए आईपीसी की धारा 363 और 503 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। वहीं मोना को अवैध हथियार का इस्तेमाल करने के लिए दोषी पाया गया और उसे आईपीसी की धारा 144 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। अपराध करना जितना गलत है उतना ही गलत उसका साथ देना भी है और चुप रहकर सहन करना भी। इसीलिए आपके साथ या आपके इर्द गिर्द कोई अपराध हो रहा हो तो चुप मत बैठिए, समझदारी दिखाइए और आवाज उठाइए। और इस बात पर आपको अभी से अमल करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।